हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकंड चैप्टर बर्फ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बर्फ की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है बर्फ की? बर्फ किसको बोला जाता है? द बर्फ इज ए बर्ड दैट expresses some action feeling or existence. It tells us something about the subject. वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी एक्शन को, किसी भी फीलिंग को, किसी भी एग्जिस्टेंस को, एग्जिस्टेंस मतलब मौजूदगी या फिर अस्तित्व को बताता है। ठीक है, ये हमें क्या है? इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यह हमें सब्जेक्ट के बारे में भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अदिति लाब्स, अदिति लाब्स, अदिति हंसती है। तो अदिति क्या एक्शन कर रही है? अदिति हंसने का एक्शन कर रही है, हंसने का काम कर रही है। तो लाफ क्या है इसमें? बर्फ। और अदिति क्या है इसमें? सब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, आदित्य गोज टू स्कूल। आदित्य स्कूल जाता है, तो आदित्य का एक्शन क्या है? स्कूल जाने का। स्कूल जा रहा है आदित्य, जाने का एक्शन कर रहा है आदित्य। आदित्य क्या है आपका? सब्जेक्ट। और गोज क्या है आपकी? वर्ब। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, द बॉयज आर ईटिंग द फूड। बॉयज लड़के खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो लड़के क्या कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है? लड़के क्या कर रहे हैं? ईटिंग, खाने का काम कर रहे हैं लड़के। तो वर्ब जो होगी वो आपकी आर, आर भी होगी आपकी ये वर्ब कहलाएगी, एंड ये आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये होती है आपकी वर्ब। वर्ब में क्या है आपका? कोई भी एक्शन हो, कोई भी फीलिंग हो, कोई भी एग्जिस्टेंस हो, वर्ब बताती है। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, आई फील सॉरी, मैं सॉरी, मैं माफ़ी, मैं सॉरी फील करता हूँ। तो इसमें वो क्या कर रहा है? फीलिंग, उसे फीलिंग आ रही है कि वो सॉरी सॉरी फील कर रहा है। ठीक है, तो आई क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट। और फील क्या होगी आपकी? वर्ब। ओके, ये आपकी वर्ब है। अब वर्ब को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। वर्ब्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वर्ब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सी वर्ब है वो? फर्स्ट है मेन वर्ब, जिसको आप लेक्सिकल वर्ड भी बोल सकते हो, लेक्सिकल वर्ब्स। ठीक है,
सेकंड है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हो, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, मेन वर्ब को, मेन वर्ब को फिर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेन वर्ब को फिर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी? पहला है फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स। सेकंड है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, मेन वर्ब का हमने कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब को, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को भी डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। जिसको ऑक्सिलरी भी बोल देते हैं, इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी मॉडल्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को टू पार्ट्स में, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, टू बी, टू बी, टू डू, टू हैव। ठीक है, टू बी में कौन कौन सी वर्ब आती हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, टू डू में कौन कौन सी आती हैं? डू, डिड, डज। और टू हैव में कौन कौन सी आती हैं? हैज, हैव, हैड। ये हो गई हमारी प्राइमरी वर्ब, ये सारी आपकी प्राइमरी वर्ब कहलाएंगी। अब मॉडल्स में कौन कौन आते हैं? शैल, विल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू। ये सारी आपकी मॉडल वर्ब होती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड मॉडल्स। प्राइमरी को टू बी में, टू डू में, टू हैव में। टू बी में कौन कौन सी आती हैं वर्ब? इज, एम, आर, वाज, वर। टू डू में डू, डिड, डज। टू हैव में हैज, हैव, हैड। ठीक है, मॉडल्स में, मॉडल्स में आती हैं शैल, विल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू। ठीक है।